नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इसको हम यहाँ पर बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम। क्या नाम देते हैं? एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम। यहाँ पर जो है ये नाम बोला जाता है। तो एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम क्या है? तो बेसिकली क्या है कि डैम की बेस विड्थ का पता और डैम की हाइट का एक एक नॉर्मल क्रिटिकल वैल्यूज क्या होंगी, इस चीज का पता लगाने के लिए आप एनालिसिस करते हैं। किसका? आप यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, यहाँ पर आपके पास में एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम का। ठीक है, तो एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आपके पास में एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आपके पास कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहला कि यहाँ पर जो आप शेप लेके चलते हैं यहाँ पर, वो पूरा का पूरा एक परफेक्ट ट्राइंगल यहाँ पर होता है। परफेक्ट ट्राइंगल कहने का मतलब, देखो आपने जो यहाँ पर डैम के शेप देखे हुए हैं, वो आपके पास कुछ आपके पास रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल का मिक्सचर देखा हुआ है। तो ये जो आप यहाँ पर क्रेस्ट विड्थ यहाँ पर देते थे, ये क्रेस्ट विड्थ आपको जीरो लेके चलनी है इसमें, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम आपके पास क्या होती है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले जिस बात का जिक्र करेंगे, वो बात आपके पास ये होगी कि आपके पास में यहाँ पर क्रेस्ट विड्थ जो आप लेकर जाते हैं, ये आपके पास में जीरो लेके जाते हैं। ठीक है, सो क्रेस्ट विड्थ आपको जीरो एज्यूम करनी है। दूसरा, आपके पास में जो आपको शेप यहाँ पर लेके जाना है, वो पूरा का पूरा परफेक्ट ट्राइंगल यहाँ पर लेके जाना है। और तीसरी चीज कि यहाँ पर जो फोर्सेस यहाँ पर एक्ट करेंगे, तीसरी चीज कौन सी? जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वो केवल और केवल आपके पास में तीन फोर्सेस की यहाँ पर बात करोगे, कि आपके पास में यहाँ पर वाटर प्रेशर पहला, वाटर प्रेशर आपके पास में फर्स्ट वन, और वो भी आपके पास में अपस्ट्रीम साइड वाला। दूसरा आपके पास में यहाँ पर, दैट इज योर सेल्फ वेट ऑफ डैम। तो आपके पास देखो वाटर प्रेशर कौन सा? ये वाला, ये जो आपके पास यहाँ पर वाटर प्रेशर लग रहा होगा, इसकी बात आप करते हो। दूसरा आपके पास में इसका सेल्फ वेट क्या हो जाएगा? इसका सेल्फ वेट ऑफ द डैम। और तीसरा, क्रेस्ट मीन्स टॉप सरफेस जहां पर वॉक करते हैं हम। ठीक है, तीसरा कि आपके पास में यहाँ पर अगर कोई पानी जाएगा, अगर कोई आपके पास में वाटर यहाँ पर जाएगा, तो ये वाटर की वजह से यहाँ पर आपको एक अपलिफ्ट प्रेशर देखने को मिलेगा। तो आपके पास यहाँ पर कुछ अपलिफ्ट प्रेशर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इज इट ओके? तो तीसरा अपलिफ्ट, बट मेरे दोस्तों अपलिफ्ट जो होता है ये आपके पास में यहाँ पर ऑप्शनल होता है, मतलब इफ एनी अगर यहाँ पर है तो लगा देना, और अगर आपके पास में यहाँ पर नहीं है तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपने यहाँ पर क्या बोला कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए? एक आपके पास में क्रेस्ट विड्थ यहाँ पर जीरो होनी चाहिए, और दूसरा आपके पास में जो आपके पास फोर्स लगेंगे वो है वाटर प्रेशर, सेल्फ वेट ऑफ द डैम और अपलिफ्ट प्रेशर अगर है तो। इज इट ओके? इज इट ओके? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम कंसीडर्स आपके पास, तो आप बोलेंगे वाटर प्रेशर पहला, अपलिफ्ट सेल्फ वेट ऑफ द डैम दूसरा, और एक आपके पास में अपलिफ्ट प्रेशर अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इज इट ओके टू एवरीवन? टेल मी। अरे बोलो भाई। ओके आशुतोष, ओके दीपा, ओके आदित्य, ओके अर्पित, ओके चलो नेक्स्ट देखो। ओके पल्लव, ओके अर्पित, नेक्स्ट। तो हमें करना क्या है? तो हमें यहाँ पर डैम को दो कंडीशन में यहाँ पर एनालाइज करना है। पहला आपके पास में व्हेन डैम इज एम्प्टी, व्हेन डैम इज एम्प्टी, जब डैम आपके पास खाली है तब की बात करें। जब डैम आपके पास में यहाँ पर खाली होगा, तो आपके पास में यहाँ पर डैम जब खाली होगा, तो क्या ये परफेक्ट ट्राइंगल का एक ये कंक्रीट का ब्लॉक तरीका रखा होगा? अरे हाँ या ना? क्योंकि अप स्ट्रीम पर तो ये जो प्रेशर आपके पास में यहाँ पर होता था वो तो है नहीं, क्योंकि डैम आपके पास में क्या है? डैम आपके पास में यहाँ पर खाली है। क्या बात समझते हो? अरे समझे कि नहीं समझे? तो डैम आपके पास में खाली है तो परफेक्ट ट्राइंगल,
तो जब डैम एम्प्टी होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ पर इसका सेल्फ वेट आपके पास नीचे की तरफ लगेगा W, और अगर मैं बोलूँ कि ये पूरी की पूरी विड्थ आपके पास में B है, तो क्या आपके पास में ये जो होगा ये आपके पास में B/3 होगा, यस और नो? आपको पता है ट्राइंगल का रिजल्टेंट इस तरीके से लगता है, तो टोटल वेट आपका लगेगा नीचे और आपके पास में B/3 यहां पर हो जाएगा ये। और इस डायग्राम को थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे जूम करके बना देना चाहिए। देखो 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 देखो, आपके पास में यहां पर ये रहा, क्या ये रहा आपके पास में यहां पर डैम, ठीक है, इसका सेल्फ वेट रहा आपके पास में क्या ये, बहुत कम बना दिया। देखो आपके पास में यहां पर क्या बनाया, सेल्फ वेट, आप बोलते हैं सेल्फ वेट, तो ये लगा आपके पास में यहां पर, ठीक है, इस वाले को हमने क्या बोल दिया, B/3, ठीक है। अच्छा सेंटर यहां पर होगा इसका, सेंटर यहां पर होगा तो इसेंट्रिसिटी, अगर ये B/3 तो यहां पर बीच में भी B/3 और एक आपके पास में यहां पर भी B/3 होगा कि नहीं होगा, तो आपके पास में यहां पर B/3 होगा ये, B/3 होगा ये, B/3 होगा ये। तो यहां पर अगर बात करेंगे तो देखो यहां पर सामने आपके पास ये B/3 हो गया, ये क्या है मेरे दोस्तों, सेंटर है, सेंटर से आपके पास मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी की अगर आप बात करेंगे तो क्या ये यहां पर B/6 होगा, क्या ये यहां पर B/6 होगा? मॉर्निंग में पढ़ाया था, सो रहे थे सबके सब, अरे सो रहे थे कि नहीं, अभी समझ में आता है, ये B/6 था यहाँ पर, ये B/6 था यहाँ पर, B/6 + B/6 आपके पास क्या होगा, B/3 होगा, तो आपके पास में ये वाला B/3, ये वाला B/3, अरे समझे कि नहीं समझे? ओके मोहित, दीपा, अर्पित, पल्लव, बाकी सब कहाँ हो? मोहित, अर्पित, अरविंद, आदित्य, आशुतोष, अरे सब ठीक है? तो ये समझे कि नहीं समझे कि यहां पर ये B/6 कैसे आया? ये B/6 जो आया ना, ये B/6 जो यहां पर आया ना, वो ऐसे आया कि आपके पास में यहां पर जब आप देखोगे तो रिजल्टेंट लगेगा यहां पर, दिस वन इज W, दिस वन इज B/3, दिस वन इज B/6, दिस वन इज ऑल्सो B/6 एंड दिस वन इज B/3, इज इट ओके? तो ये बताओ कि क्या इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू B/3 हो गया, यस और नो? क्या इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू B/3 हो गया, अरे यस और नो? अरे यस और नो, इसेंट्रिसिटी क्या है, ये सेंटर से जो मैक्सिमम रिजल्टेंट का डिस्टेंस, अब देखो आपने पढ़ा है सिग्मा मैक्सिमम वर्टिकल, ठीक है, और आपने पढ़ा है सिग्मा मिनिमम वर्टिकल, पढ़ा है कि नहीं? ये बताओ यहां पर ये है हील, ये है टो, जब ये होगा खाली तो मैक्सिमम प्रेशर किसके अबाउट आएगा, हील के अबाउट, तो आपने लिखा हील, यहां पे लिखा टो, आप फॉर्मूला क्या लिखते हो, 2W/B इंटू 1 + 6E/B, लिखते कि नहीं? यहां पर क्या लिखा था, सॉरी 2W/B नहीं लिखा था, समेशन ऑफ बी लिखा था, माफी चाहेंगे, आपने यहां पर क्या लिखा था, आपने यहां पर लिखा था समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस डिवाइड बाई बी इंटू 1 + 6E/B, यहां पे आपने लिखा था समेशन B/B इंटू 1 - 6E/B, अरे था कि नहीं था? E इज इक्वल टू B/6 रखोगे और समेशन V का वैल्यू टोटल मिला के कितना है, W है, E का वैल्यू आपके पास कितना है, B/3 है, E का वैल्यू B/6 है, कहाँ गड़बड़ करते जा रहे हैं अपन सब यार, E तो आधा था ना B/6, तो यहां से आप रखेंगे तो आपको निकल के आएगा 2W/B, यहां पे आप रखेंगे तो आपको निकल के आएगा 0, कैसे निकल के आएगा समझ में आता है? When dam is empty, ये पहला केस है, ठीक है, तो आपके पास में आता है यहां पर परफेक्ट ट्राइंगल, ये लगता है रिजल्टेंट W नीचे, ये लगेगा आपके पास सेंटर पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पर, दैट इज योर B/6,
क्या लगेगा, बी बाई सिक्स, ये होगा आपके पास बी बाई थ्री, तो ये हो गया आपके पास इसेंट्रिसिटी। और मोहित मेरे दोस्त, सिग्मा मैक्सिमम होता है जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है, ये वर्टिकल की बात करें तो ये हम चेक करेंगे, और इस खाली डैम के केस में ये हिल के अबाउट आएगा। तो आपने बोला सिग्मा मैक्सिमम वर्टिकल अबाउट हिल, दैट इज इक्वल टू समेशन वी बाई बी इंटू 1+6 ई बाई बी, ये फॉर्मूला होता है मोहित, ठीक है, मॉर्निंग में बताया था समेशन वी, तो ये तो हो जाएगा आपके पास समेशन जब वी डब्ल्यू डिवाइड बाई बी इंटू 1+6 ई, ई का वैल्यू कितना है बी बाई सिक्स है, तो आप जब 6/b इंटू बी बाई सिक्स लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली आपके पास बचेगा कितना 2w/b। जब आप सिग्मा मिनिमम निकालेंगे तो सिग्मा मिनिमम वर्टिकल अबाउट टू, दैट इज इक्वल टू होता है समेशन वी बाई बी इंटू 1-6 ई बाई बी, तो आपके पास ये हो जाएगा क्या, दैट इज योर डब्ल्यू बाई बी इंटू 1-6/b इंटू बी बाई सिक्स, दैट इज इक्वल टू 0। तो आपको बस ये याद रखना है कि वेन डैम इज एम्पटी, हील के अबाउट जो स्ट्रेस आएगा वो बराबर होगा 2w/b के, और टो के अबाउट जो स्ट्रेस आएगा वो बराबर होगा 0 के, कब के केस में, जब डैम एम्पटी है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ओके एवरीवन, नेक्स्ट दूसरा केस हमारे पास कौन सा है, व्हेन डैम इज फुल। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं, सिर्फ आपको उसको देखना है, दैट्स इट। व्हेन डैम इज फुल, जब डैम आपके पास में यहाँ पर फुल होगा तो आपके पास में यहाँ पर परफेक्ट आपको ये ट्राइंगल देखने को मिलेगा, ठीक है, परफेक्ट ट्राइंगल आपके पास में यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये कुछ इस तरीके से आपके पास वाटर प्रेशर लग रहा होगा, साथ में आपके पास यहाँ पर अपलिफ्ट प्रेशर आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, इज इट ओके? तो हम क्या करते हैं, जब डैम आपके पास में यहाँ पर फुल होगा, जब डैम आपके पास यहाँ पर फुल होगा तो तीन फोर्स हैं, एक आपके पास सीपेज प्रेशर है, एक उसका सेल्फ वेट है और एक अपलिफ्ट है, तो फिर हमको यहाँ पर क्रॉस चेक लगाना पड़ेगा किसके लिए, मोड्स ऑफ द फेलियर के लिए। तो हम यहाँ पर चेक लगाते हैं टेंशन फेलियर, कंप्रेशन फेलियर, आपके पास यहाँ पर दैट इज योर नो ओवर टर्निंग और आपके पास में नो स्लाइडिंग। तो पहला सुनना, यहाँ पर जब हम केस लगाते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में नो ओवर टर्निंग हो, हम सेफ्टी साइड लेके चले, अगर हम ओवर टर्निंग कराने की बात ना करें तो उस केस में आपने के हिसाब से क्या रेजिस्टिंग मूवमेंट शुड बी ग्रेटर देन ओवर टर्निंग मूवमेंट, यस और नो? क्या आपके पास में ये जो ओवर टर्निंग मूवमेंट आ रहे थे इससे ज्यादा होना चाहिए आपके पास में ये रेजिस्टिंग मूवमेंट, यस और नो? यस और नो? यस। तो आपने बोला ये जो रेजिस्टिंग मूवमेंट ज्यादा होंगे, तो जब आप इसको पूरा का पूरा तोड़ते हो तब यहां से आपके पास में बी मिनिमम का फॉर्मूला मिलता है और वो आता है एच अपॉन अंडर रूट SC-C, जहां पर C क्या है, C आपके पास में होता है अपलिफ्ट कोफिशियंट, क्या होता है अपलिफ्ट कोफिशियंट, और SC आपके पास में यहाँ पर क्या है, दैट इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट, क्या आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट। अगर यहीं पर अपलिफ्ट आपने बोला था, देखो यहाँ पर कि अपलिफ्ट हो सकता है हो या हो सकता है ना हो, तो अगर अपलिफ्ट यहाँ पर नहीं है तो आप सी इज इक्वल टू 0 लेके वहां पर चले जाते हैं, तो उस केस में आपके पास बी क्रिटिकल हो जाता है एंड दैट इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट SC होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये आता है नो ओवर टर्निंग के लिए, ये आपके पास में यहाँ पर निकल के आता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये डेरिवेशन अब पूरा निकालना पड़ेगा, वो किसी सेंस का नहीं, वो किसी काम का नहीं। ओके दीपा, बाकी लोग, बी क्रिटिकल क्या है, ये अपलिफ्ट गायब कर दिया, बोले कि अपलिफ्ट नहीं है तो ये क्रिटिकल का केस हमने बना दिया कि बी क्रिटिकल हो गया अगर अपलिफ्ट नहीं हुआ तो। ओके मोहित, है
नेक्स्ट ओके पे नेक्स्ट दूसरा ये हुआ ओवरटर्निंग। यहीं पर अगर बात करें नो स्लाइडिंग का केस ले लिया जाए, किसका नो स्लाइडिंग का यहाँ पर अगर केस ले ले, तो उस केस में आपके पास में जो स्लाइडिंग फोर्स थे, कैसे थे, जो स्लाइडिंग फोर्स थे वो आपके पास में उससे ज्यादा होना चाहिए रजिस्टिंग फोर्स, तो रजिस्टिंग फोर्स शुड बी ग्रेटर देन स्लाइडिंग फोर्स। उस केस में जो बी मिनिमम निकल के आता है वो आता है आपके पास में एच अपॉन म्यू इंटू एस सी माइनस सी, और अगर यहीं पर सी को जीरो करेंगे तो बी क्रिटिकल आता है एच अपॉन म्यू इंटू एस सी। इज दैट क्लियर? सेम, जब यहां पर फोर्स वाला लगाया तो बी मिनिमम ये आया, जब नो ओवर टर्निंग लगाया तो बी मिनिमम ये आया। इज दैट क्लियर? यहां पर भी सी जीरो करवा देंगे। सर एक बार बी के बारे, बी विड्थ है, बी ये है, ये बी इसके इसको निकाल रहे हैं, बी मिनिमम इसको हमें विड्थ प्रोवाइड करवाना पड़ेगा ना, तो हम इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि ओवर टर्न ना हो तो बी मिनिमम इतना रिक्वायर्ड, और स्लाइडिंग ना हो तो बी मिनिमम इतना रिक्वायर्ड है, ये दो बी की बात कर रहा है, डैम तो एक ही है ना, तो प्रोवाइड तो एक करना पड़ेगा, आप दो तो प्रोवाइड यहां पर नहीं करवा सकते, तो आपके पास में आप यहाँ पर तीसरा केस लाते हो, और तीसरा केस क्या है फॉर नो, तीसरा केस आपके पास में यहाँ पर क्या है, तीसरा केस है यहाँ पर फॉर नो ओवर टर्निंग एंड नो स्लाइडिंग, तो हम एक ऐसी आपके पास विड्थ प्रोवाइड करवाएंगे जो दोनों में सेटिस्फाई कर जाए, तो उस केस में जब आप वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो जो आता है वो आता है एच अपॉन अंडर रूट एस, एच अपॉन अंडर रूट एस सी माइनस, इज इट ओके, इज इट ओके, कितना समझ में आता है? क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, ओके ओके, तो ये याद रखना है आपको, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है बी मिनिमम या बी क्रिटिकल, तो एच अपॉन अंडर रूट एस सी। ठीक है, चलो तो आपने लगा दिया नो ओवर टर्निंग, आपने लगा दिया नो स्लाइडिंग, दो और बचे, जब आप यहां पर लगाते हैं तीसरा नो टेंशन फेलियर, तो नो टेंशन के केस में कुछ नहीं है, आप बोलते हैं रिजल्टेंट आर मस्ट, आर मस्ट पास थ्रू, आर मस्ट पास थ्रू द मिडिल थर्ड स्ट्रिप ऑफ डैम। ठीक है, फोर्थ आपके पास में यहां पर आता है, उसमें कुछ नहीं करना, नो टेंशन वाले में कुछ नहीं है, जब आप नो कंप्रेशन का फेल, जब बोलते हैं ना कंप्रेशन फेलियर हो, नो कंप्रेशन फेलियर के लिए आपके पास में, नो कंप्रेशन फेलियर के लिए जो भी आपके पास में यहाँ पर स्ट्रेस आए वो लेस देन होना चाहिए आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, तो यहाँ पर जो हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला निकल के आता है ये होता है आपके पास में क्या, हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला जो यहाँ पर आपको निकल के आता है वो आता है एफ अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू एस सी माइनस सी प्लस वन, दैट्स इट। तो मेन जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो हाइट मैक्सिमम का ये फॉर्मूला है, एस सी माइनस सी प्लस वन, एफ आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, और दूसरा ये बी मिनिमम के फॉर्मूले हैं, ये होता है एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम, दैट्स इट। क्या समझे बात? कंप्रेशन फेलियर ना हो तो जो भी ये सिग्मा वर्टिकल आ रहा था ना थोड़ी देर पहले आपने पूछा था ये क्या है, वो आपके पास में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए, तो जब यहां पर इसको तोड़ते हो तो हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। इज दैट ओके? ओके है? अरे ओके है या नहीं? ठीक है, चल ये आपके पास में हो गया डैम का पूरा पार्ट,
अब डैम में आपके पास में एक बचा क्या, स्पिलवे बचता है। क्या बचता है? स्पिलवे के टाइप कौन कौन से हैं तो हम उसको और देखते हैं। देखो तो स्पिलवे अगर यहाँ पर सर इस पे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं, सिर्फ फॉर्मूले जो सामने लिखे हैं। एक्चुअल में फील्ड कैपेसिटी के बाद का पार्ट आपका इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बट ये सब सिलेबस में होता है तो पढ़ना पड़ता है। वो क्या देते हैं? चलो नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पे लास्ट क्या आता है, स्पिलवे क्या है और स्पिल